जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। देश हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटीज माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है, और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए, और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेक्युलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा, और उसको पहचानना है और एकजुट होना है। लालू बोले, भाजपा पार्टी नहीं है, आरएसएस का मुखौटा है। महागठबंधन की रैली में कहा, दोनों आरक्षण विरोधी है, हम एक रहेंगे तो यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया ने महागठबंधन की महारैली में 7 दलों ने एकजुटता की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। मैसेज दिया कि अगर सब मिलकर लड़े तो भाजपा को हराया जा सकता है। लालू यादव ने कहा, भाजपा कोई पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी है, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रैली में लालू दिल्ली से जुड़े थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सभा को करीब 10 मिनट तक संबोधित किया। लालू ने कहा, देश से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है, हम और नीतीश एक हो गए हैं, अब हमेशा साथ रहेंगे, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ना है। लालू यादव ने याद दिलाया कि बिहार वालों के साथ मिलकर मैंने आरएसएस के रथ को रोका था, बिहार की करवट पर देश की हवा बदलती है, लोग उसे अनुसरण कहते हैं। ये जो आरएसएस है, यह गुरु गोलवर्कर की पार्टी है। गोलवर्कर ने बंच ऑफ थॉट्स में 2 खतरनाक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पूजा करने पहुंच जाए तो उसको जूते से मारकर बाहर करो। इसके अलावा लिखा है, आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, इसमें बदलाव करना चाहिए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। ये है आरएसएस और भाजपा का असली चेहरा। लालू ने कहा, मेरी बेटी रोहिणी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता, मैं रोहिणी का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। नीतीश कुमार ने भी अमित शाह पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि देश पर कब्जा कर लिया है, कोई भी काम देश हित में नहीं रहे हैं, बिहार के विकास के लिए कोई काम किया है लेकिन यहाँ आकर क्या क्या बोल दिया कि हमने ये विकास किया वो विकास किया। पिछले चुनाव में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए मदद करने का वादा किया था लेकिन कोई मदद नहीं की। नीतीश कुमार ने फिर कहा कि हम सब एक साथ रहेंगे तो भाजपा 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी, जीवन भर आप लोगों के हित के लिए काम करेंगे, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, इसके लिए भाजपा को हराना होगा। बिहार में जैसे हम एकजुट है वैसे देश में एकजुट होना होगा। मेरे बारे में कहा गया कि मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया जबकि हम उनके साथ ही थे। शरद यादव के बारे में कहा गया कि मैंने उन्हें छोड़ दिया
जबकि आज उनका बेटा यहाँ बैठा है। उनके निधन पर भी मैं वहां गया। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को कभी नहीं छोड़ा, ये लोग बस बोलते रहते हैं। नीतीश से पहले तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ महागठबंधन है, वैसे ही देश में महागठबंधन है। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना से आज मेरे पिता बिल्कुल ठीक है। आज मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी फिर से पुराने अंदाज में नजर आए। मेरे पिता ने आज तक सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके हैं। वो हमेशा उन लोगों से लड़ते रहे हैं। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लालू का बेटा भी वचन देता है कि सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। हम सब सातों पार्टियां मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ बोलते ही देश में छापे पड़ जाते हैं, उनसे मिलकर रहने वालों को बचाया जाता है। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही समय पर उनका साथ छोड़कर महागठबंधन बना लिया। हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। नीतीश जी की पार्टी के साथ इन्होंने क्या नहीं किया। महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहते थे, सीबीआई का डर दिखा रहे थे। बिहार की धरती ने भाजपा को संदेश दे दिया है, जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की किसी की इच्छा नहीं है। हमें बस मिलकर इन लोगों को देश से बाहर करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देना है। 24 की लड़ाई संघियों आरएसएस और भाजपा से लड़ाई है। मोदी जी ने 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। मोदी जी, हम बिहारी लोग हैं, हमें जुमला मत दीजिए, आपका जुमला बिहार में नहीं चलेगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बगा के वाल्मीकि नगर में 20 मिनट तक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर नीतीश कुमार और लालू का जंगल राज रहा। उन्होंने 12 बार जंगल राज और 36 बार नीतीश कुमार और 14 बार लालू का नाम लिया। मंच से कहा कि अब नीतीश के लिए भाजपा के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। वह जंगल राज में शामिल हो गया है और वह ललटन के साथ मिल गए हैं और अब नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं है कि वह ललटन को बुझा सके और बिहार में फिर से वह विकासवाद को छोड़कर अवसरवाद में उलझ गए हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।